नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। देश की राजधानी दिल्ली में ब्लैक फंगस का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। यहां ब्लैक फंगस के अभी तक 197 मामले सामने आए हैं। इसकी जानकारी खुद दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दी। उन्होंने बताया कि पॉजिटिविटी रेट जो 36% तक चला गया था, वो अब कम होकर 5% के करीब आ गया है। दिल्ली में परसों तक ब्लैक फंगस के 197 मरीज भर्ती थे। इसमें दिल्ली और दिल्ली के बाहर के मरीज शामिल हैं। वैक्सीन खत्म होने पर स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली में 18 से 44 साल के लोगों के लिए कोवैक्सीन कई दिन पहले ही खत्म हो गई थी। कोविशील्ड भी खत्म हो रही है। कई सारे सेंटर आज से बंद हो रहे हैं। एम्स में रोजाना 25 से अधिक केस। बता दें कि राजधानी दिल्ली में ब्लैक फंगस लोगों के लिए बड़ी और जानलेवा परेशानी के तौर पर उभरने लगा है। देश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल और शोध संस्थान एम्स में ब्लैक फंगस संक्रमण के रोजाना 25 से अधिक मामले सामने आ रहे हैं। वहीं दिल्ली सरकार भी इसे लेकर अब अलर्ट हो गई है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो इसे महामारी घोषित कर दिया जाएगा। एम्स के न्यूरोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉक्टर एमवी मका के मुताबिक पहले ऐसे मरीजों की संख्या सिंगल अंक में होती थी, लेकिन प्रतिदिन अब ऐसे 25 से अधिक मामले सामने आने लगे हैं। डॉक्टर के मुताबिक ब्लैक फंगस डायबिटीज, ज्यादा स्टेरॉयड का इस्तेमाल करने वाले और कमजोर इम्यूनिटी वालों में ही पाया जा रहा था, लेकिन इतनी अधिक तादाद में मामले नहीं आते थे। ऐसा होना चिंताजनक है। जी हाँ, आपको बता दें, सीएम केजरीवाल ने कहा कि ब्लैक फंगस के प्रसार को रोकने के लिए जो भी कदम उठाने की जरूरत पड़ेगी, हम वह सारे कदम उठाएंगे। उन्होंने कहा कि हम दिल्ली में अपने ऑक्सीजन प्लांट लगाने के बारे में सोच रहे हैं। ब्लैक फंगस को लेकर विशेषज्ञों की चेतावनी के बीच मुख्यमंत्री ने दिल्ली के अस्पतालों को सुझाव दिए हैं। ब्लैक फंगस के इलाज वाले इंजेक्शन की कमी, केजरीवाल ने अपील करते हुए कहा है कि मैं सभी अस्पताल और डॉक्टर से अपील करना चाहता हूं कि वह नियंत्रित मात्रा में स्टेरॉयड का इस्तेमाल करें। मरीजों को शुगर नियंत्रित करने की जरूरत है। स्टेरॉयड और शुगर के मिश्रण से ही ब्लैक फंगस बनाता है। केजरीवाल ने कहा कि इसके इंजेक्शन की बहुत ज़्यादा कमी है, जिसके लिए हमने केंद्र सरकार को भी लिखा है। रिपोर्ट IPN।